हेलो एवरीबॉडी आज से हम बीएससी क्लासेस के लिए अपनी नई लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ऑन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या एफईटी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि जे फैट मोज़ फैट या मैज़ फैट तो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनके कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन को आज हम ये बेसिकली पता लगाएंगे कि फ़ील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते क्या हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ़ील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट मीन्स ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की हेल्प से हम करंट को कंट्रोल करते हैं अगेन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांजिस्टर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच वी कंट्रोल करंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से या पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम करंट को कंट्रोल करते हैं इस ट्रांजिस्टर में और ट्रांजिस्टर आप पहले भी स्टडी कर चुके होंगे ट्रांजिस्टर जो है जो सिंपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं बी जे टी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर वो टू टाइप्स के होते हैं या तो पी एन पी ट्रांजिस्टर होते हैं या एन पी एन ट्रांजिस्टर होते हैं तो जो पी एन पी होते हैं उसमें ये पी हो गया एन हो गया पी हो गया ये आपके थ्री टर्मिनल्स होते हैं इमीटर बेस एंड कलेक्टर इसी तरीके से एन पी एन ट्रांजिस्टर में भी थ्री टर्मिनल्स होते हैं इमीटर बेस एंड कलेक्टर ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं इसे हम बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसी तरह से जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है आज का जो हमारा टॉपिक है एफ ई टी तो एफ ई टी में भी थ्री टर्मिनल्स होते हैं अगर हम इसका ये डायग्राम बनाएं सिंपल डायग्राम बनाएं डिटेल स्टडी तो हम बाद में करेंगे जब हम जे फैट फैट के बारे में स्टडी करेंगे तो सिंपल जो डायग्राम है इसके थ्री टर्मिनल्स हैं एक तो होता है आपका सोर्स एक होता है आपका गेट और एक होता है आपका ड्रेन दीज आर थ्री टर्मिनल्स सोर्स गेट एंड ड्रेन ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि आपके पास में एक वाटर टैप है पानी की टंकी है तो उसमें जहाँ से पानी आता है तो उस टर्मिनल को आप क्या बोलते सकते हैं सोर्स और जिस नॉब की हेल्प से आप उसे कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को तो उसे आप बोल सकते हैं गेट और जिस सिंख के अंदर पानी जा रहा है जितना पानी ऊपर से आएगा उतना उसके अंदर सिंख के अंदर जा रहा है तो उसे आप बोल सकते हो ड्रेन तो आपको ये पता है आने वाला वाटर का अमाउंट और ड्रेन के अंदर जाने वाले वाटर का अमाउंट पर सेकेंड दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो यानी कि जो सोर्स का जो करंट है आई एस और आई ड्रेन दोनों क्या होने चाहिए बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए उसी तरह से यहाँ पर जो गेट है ये कंट्रोलिंग डिवाइस है कंट्रोलिंग आ, मतलब टर्मिनल है और सोर्स का करंट और ड्रेन का करंट दोनों ही बराबर होते हैं आई एस और आई डी इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पर करंट को हम ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आई की बात कर रहे हैं आई और आई वैसे दोनों इक्वल हैं तो चाहे हम आई डी लिखें या आई एस लिखें ट्रेडिशनली ड्रेन करंट की हम बात करते हैं और बुक्स के अंदर वैसे तो आप देखो कि इस वाटर एनालॉजी में आप देखो ड्रेन जो है वो नीचे है सोर्स ऊपर है लेकिन बुक्स के अंदर सोर्स ज़्यादातर नीचे बनाया जाता है और ड्रेन ऊपर बनाया जाता है इसी तरीके से सिंबल बनाया जाता है तो हम इसी तरीके का यूज कर रहे हैं जैसे कि बुक्स में यूज होता है सोर्स गेट एंड ड्रेन आप ये देखो जो ड्रेन करंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ गेट की वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स वी जी एस के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि ड्रेन करंट आई डी जो है वो फंक्शन है वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स VGS क्या है वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स और ID क्या है ड्रेन करंट तो ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है या तो ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट जाएगा या सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा करंट तो जो जाने वाला करंट है वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में गेट एंड सोर्स के बीच में वोल्टेज के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है दैट मीन्स आई डी इज ए फंक्शन ऑफ एफ फॉर फंक्शन वी जी एस वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स लेकिन जो हमारा पहले हम ट्रेडिशनली यूज करते थे बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसके अंदर जो कलेक्टर करंट होता था आईसी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता था बेस करंट के ऊपर बीटा इंटू आई बी यानी कि कलेक्टर करंट वाज ए फंक्शन ऑफ बेस करंट तो ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस थी बीजेटी वाज कंट्रोलिंग करंट कंट्रोलिंग डिवाइस करंट की हेल्प से हम कंट्रोल करते थे बाहर निकलने वाले करंट को आईबी की हेल्प से हम आईसी को कंट्रोल कर रहे हैं आईसी इज़ इज टू बीटा टाइम्स आईबी। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं इन बीजेटी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं एफ ई टी में एफ ई टी में जो करंट है ड्रेन करंट वो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है दैट मीन्स ये एक वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स में बीजेटी भी ट्रांजिस्टर है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी एक ट्रांजिस्टर है दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है और कुछ डिसिमिलैरिटी भी हैं कुछ जो है डिफरेंस भी हैं तो हम डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे दोनों ही थ्री टर्मिनल डिवाइस हैं और जहाँ पर भी बीजेटी यूज़ होती है वहाँ वहाँ पर हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं बीजेटी जे टी कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको पता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर उसी तरीके से हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं बीजेटी एक तरफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक तरफ बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस दूसरी बात इट इज ए बाईपोलर डिवाइस बीजेटी जो होते हैं उसमें बाईपोलर डिवाइस होते हैं बाईपोलर का मतलब इसमें टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि अगर हम इसे देखें पीएनपी ट्रांजिस्टर को तो इसमें होल्स मूव कर रहे हैं एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन भी एन टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं तो जो टोटल करंट है वो दोनों की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यानी कि इसके अंदर होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यानी कि दो चार्ज कैरियर हैं एक ही टाइम में एट द सेम टाइम टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो ये बाईपोलर डिवाइस है जबकि जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये एक यूनिपोलर डिवाइस uh, है यूनिपोलर का मतलब एट वन टाइम या तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ होल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे एक टाइम में एक ही करेगा क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स एक तो एन चैनल और एक पी चैनल अगर एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे करंट में और अगर पी चैनल है तो करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल्स की मोबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा तो इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन और होल्स जबकि ये बाईपोलर डिवाइस थी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टुगेदर दोनों एक साथ इसमें वर्क करते थे अगली बात ये ज़्यादा बढ़िया है हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है बिकॉज जो है ये टेम्परेचर पे कम डिपेंड करता है अगर सर्किट का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है तो ये उसी हिसाब से इसके करंट में कम वेरिएशन आता है जबकि बीजेटी में ज़्यादा वेरिएशन आता है तो जहाँ टेम्परेचर में चेंज होने की गुंजाइश हो वहाँ पर हमें फ़ील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज़ करना चाहिए अगली बात यह है कि फ़ील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं इन साइज़ तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम छोटी छोटी जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वहाँ पर हम एफ़ ई टी का यूज़ करेंगे ना कि बी जे टी का और एफ ई टी थ्री टाइप्स के होते हैं जे एफ ई टी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या जे फैट बोल सकते हैं इसे हम मोज़ैट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मोजफेट की फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मोजफैट भी दो टाइप के हैं डी मोजफैट एंड ई मोजफेट डी का मतलब डिप्लीशन टाइप और ई e का मतलब इन्हेंसमेंट टाइप तो डी मोजफैट मतलब डिप्लिशन मोजफेट या डी मोजफैट या ई e मोसफैट का मतलब है इनहेंसमेंट टाइप मोजफेट तो डी मोजफैट एंड ई मोसफैट ये दो जो हैं मोजफेट के टाइप्स हैं और मेजफैट मैज़ फैट का मतलब मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो ये बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर थ्री टाइप्स के होते हैं जे फैट मोज फैट एंड मैज़ फैट जिनको हम अग, अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे और ये सभी एन चैनल हो सकते हैं एन सी का मतलब एन चैनल या पी चैनल पी सी का मतलब पी चैनल या तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट देन एन चैनल या फिर होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट पी चैनल डिटेल में हम स्टडी करेंगे अपने आने वाली वीडियो में उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वोल्टेज की हेल्प से हम ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं और जहाँ जहाँ पे बीजेटी का यूज़ होता है वहाँ पर हम एफ का यूज़ भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू